हेलो गाइस, आज मैं आपको ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करते हैं उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे यहाँ पे। अगर आपने यूटीएस के बारे में जाना है या फिर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको बेसिकली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे आना है, यूटीएस आपको ये सर्च करना है। यूटीएस जैसे ही सर्च करते हैं तो ये आपको देख रहे हो इस तरह से आपको आ जाता है। पहले से मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसे यूटीएस यहाँ पर पहले आ जाएगा। एक अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, इसको मैं ओपन कर लूँगा। जैसे मैं ओपन करता हूँ, इसका इंटरफेस इस तरह का होता है। इंटरफेस इस तरह का मतलब पहले बुक है, क्विक बुक, प्लेटफॉर्म, सिग्नल, यहाँ पे कैंसिल टिकट, बुक हिस्ट्री, शो टिकट, कैसे जैसे जो प्रोफाइल अपना चेक करना चाहते हैं, वॉलेट में आपने चेक करना चाहते हैं कितना है नहीं है। अगर आपको बुक करना है तो आपको पेपरलेस पे आना है, या प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए आपको काउंटर का यूज़ करना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेशन पर जाना है। मैंने माइंड सेलेक्ट कर लिया है, मुंबई लोकल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप जहाँ पर आ रहे हैं उस लोकल की आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी में रहकर। CSMT के लिए जाना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट जैसे ही करता दो रूट यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक तो दादर वेस्टर्न रेल के जरिए, एक तो वडाला होकर के भी जाना है। तो आपको एक रूट कोई भी चूज कर लेना। अगर मैं वडाला कर लिया तो वडाला का ये आ जाएगा। आपको यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट करना है, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास के जो चार्जेस होते हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं, और सेकेंड क्लास के होते हैं जो थोड़ा सा मतलब फिजिबल होता है। रिटर्न करना है तो रिटर्न, नहीं तो ठीक है। आप अगर चार पाँच लोग हैं तो मैक्स मैक्स जो होता है वो चार ही तक कर सकते हो, चार के ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये चार का है। यहाँ पे आप कर सकते हो गेट फेयर करके। गेट फेयर अगर मान लीजिए कि मैं फर्स्ट सिंगल का कर लेता हूँ, गेट फेयर जैसे क्लिक करते हैं 10 रुपये का यहाँ पर चार्ज आ रहा है। बुक टिकट जैसे ही करेंगे, बुक टिकट में आपको फिर वो लॉगिन मांगे। लॉगिन करने के लिए आपका जो भी लॉगिन और पासवर्ड है वो आप जब ऐप इंस्टॉल करोगे तभी हो जाएगा तुम्हारा लॉगिन। मेरे वॉलेट में 2 रुपया है इसलिए अभी बुक नहीं होता टिकट। बुक टिकट जैसे ही करेंगे वहाँ पर आपको वॉलेट को रिचार्ज करने में लगा, रिचार्ज वॉलेट और आधा पेमेंट। तो आप ये दोनों में से कर लें, पहले वॉलेट में पैसा रख लें फिर आप बुक कर सकते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा दोस्त, आप मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।